अस्सलाम वालेकुम। आज आपको चिकन कढ़ाई बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने चिकन ली है 1 किलो, नमक हसबे जायका, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें, गरम मसाला पाउडर 2 चाय के चम्मच, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच, 4 अदद टमाटर लिए हैं उनको दरमियान से काट लिया है, आधा कप दही, बारीक कटी हुई अदरक और हरा धनिया गार्निश के लिए। यहाँ हमने 1 कप ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 1 अदद तेज़पत्ता, 1 जावित्री का फूल, 1 बादियान का फूल और 2 अदद बड़ी इलायची डालकर इनको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चिकन डालकर फ्राई कर लेंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे और इसको तेज़ आंच पर फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई हो गई है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन डाल देंगे। इसको भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक और लहसुन को फ्राई कर लिया है। अब इसमें आधा कप पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। पानी डालकर इस पर कटे हुए टमाटर रख देंगे और इसको 7 से 8 मिनट तक कवर कर देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाए तो हम इसकी स्किन उतार देंगे। और टमाटर को मैश कर लेंगे। टमाटरों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, दही, हरी मिर्चें और लेमन जूस डालकर तेज़ आंच पर हम इनको भून लेंगे। चिकन कढ़ाई को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन कढ़ाई तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपकी चिकन कढ़ाई कैसी बनी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।